अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल दीवार शब के बारे में। तो व्यूवर्स, पहले हम बात करते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। आज हमने देखा कि माज के घर पे चला जाता है खयाम उसके घर रहने के लिए, और शायद वो पहचान भी लेता है इस्लाम साहब को कि ये वही हैं जिन्होंने उसे उसकी नानी के पास छोड़ा था। इसके अलावा आज हमने ये भी देखा कि जोया की शादी की भरपूर तैयारियां हो रही हैं और उसका सामान उसके ससुराल में पहुंचा दिया गया है। सदल इस घर को छोड़कर किसी और घर में शिफ्ट होना चाह रही है, और इस एपिसोड में ये भी दिखाया गया कि वो अपना सामान पैक कर लेती है, लेकिन घर से जाने के लिए ना तो नानी राजी होती है और ना ही गेतियारा। लेकिन किना बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी ने एक घर ले लिया है जहाँ पर वो रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट में क्या देखना है। नेक्स्ट में हमें ये देखना है कि जूबिया कहेगी अपने वालिद से कि मुझे तलाक चाहिए सलमान से, जबकि उसके वालिद उसे समझाएंगे कि हर बात का फैसला इतनी जल्दी मत कर लिया करो। लेकिन जूबिया की माँ दूसरा कुछ और ही सोचे बैठी है। वो चाह रही है कि जूबिया तलाक ले ले सलमान से और उसकी शादी कर दी जाए सालार से। दूसरी तरफ हम चूंकि ये भी देखते आ रहे हैं कि नबील के साथ सालार की नहीं बनती और उन दोनों की लड़ाई भी हो चुकी है, तो नेक्स्ट में हम ये भी देखने वाले हैं कि सालार पर कोई फायरिंग कर देगा। अब न जाने वो कौन होगा जो सलार पर फायरिंग करेगा। जाहिर तो यही होता है कि नबील ही ऐसा करेगा, क्योंकि आज के एपिसोड में हमने देखा कि वो कह रहा होता है जरताज से कि मैं माफ नहीं करूंगा सलार को और मैं अपना बदला जरूर लूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट में हम ये भी देखने वाले हैं कि श्यामा को पता चल जाएगा कि फिरोजा को भगाने वाली कौन थी। उसे पता चल जाएगा कि दिलदार ने ही भगाया था फिरोजा को। क्या वाकई में जोया की शादी हो जाएगी नेक्स्ट एपिसोड में, और क्या जोया और मास कभी एक हो पाएंगे। इसके अलावा क्या सालार की शादी सुबिया से हो जाएगी और गेतियारा खाली हाथ रह जाएगी। एक पहले खयाम और उसके बाद सालार भी चला जाएगा उसकी ज़िंदगी से। ये जानने के लिए हमें अगली एपिसोड्स देखना होगी। इस ड्रामे की अपडेट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।